नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग सबको मेरी गुड इवनिंग अपूर्वा जी जुड़ चुकी हैं इंदिरा जी दीपक जी सबको मेरी गुड इवनिंग तो मित्रों हम संघ राज्य क्षेत्र पढ़ रहे थे और आज नागरिकता पर चर्चा करेंगे पहले संघ राज्य क्षेत्र वाला टॉपिक है उसके क्वेश्चन आंसर हमने नहीं किए लेकिन मैं आपको दोबारा से संघ राज्य क्षेत्र समझाने की चेष्टा करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्र वाला तो उसको जल्दी से आ जाइए सब लाइव सबको मेरी गुड इवनिंग है लेकिन आप शेयर नहीं करते देखते नहीं है कम से कम पचास बच्चे तो होने चाहिए लाइव में सतेंद्र जी वेरी गुड नमस्ते नमस्ते आपको भी प्रणाम मेरा वेरी गुड तो आप थोड़ा संख्या बढ़ाइए आप जल्दी से तो हम देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र वाले पहले मैं अनुच्छेद करा रहा हूं ध्यान से सुनना मित्रों पहला अनुच्छेद एक में क्या है जल्दी से बताइए अनुच्छेद एक में क्या प्रावधान है कौन बताएगा वेरी गुड कोई बताएगा देखो कोई बताएगा इंदिरा जी कपिल देव जी चरण स्पर्श सर नमस्कार नमस्कार सबको मेरी नमस्कार, नमस्कार। आप बताइए जल्दी से कि अनुच्छेद एक में क्या प्रावधान है भारत राज्यों की यूनियन है भारत राज्यों का यूनियन है फिर मैंने बताया था कि हमारे यहाँ फेडरेशन शब्द का नाम प्रयोग करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है ताकि एक तो केंद्र को शक्तिशाली बनाया जा सके एकता अखंडता के अनुरूप केंद्र शक्तिशाली हो एकता अखंडता के अनुरूप एकता अखंडता के अनुरूप दूसरा इसमें यह प्रतिध्वनि मिलती है कि राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है अलग होने का अधिकार नहीं है तो ये भी आपको ध्यान रखना है नहीं का अधिकार नहीं है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है केंद्र से केंद्र अधिक शक्तिशाली है तो हमारे यहाँ ये जहाँ अमेरिका में फेडरेशन शब्द का प्रयोग है हमारे यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग है अमेरिका में फेडरेशन के कारण वहाँ के राज्यों ने गृह युद्ध की शुरुआत कर दी थी तो लास्ट में वहाँ पर एक की स्थिति का सामना करना पड़ा था लेकिन भारत में शुरू से यूनियन का कर दिया ताकि हमारे ऐसी जी वेरी गुड यूनियन ठीक ना? का प्रयोग शब्द का प्रयोग वेरी गुड वेरी गुड, गुड ने बहुत अच्छा बताया तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है अब आगे हम अनुदो पर चर्चा करते हैं इनका गेट बंद कराओ अनुच्छेद दो पर आते हैं मित्रों अनुच्छेद दो में क्या प्रावधान है चलिए अनुच्छेद दो भी देखते हैं जल्दी से बता सकता है तो कोई बताइए कि अनुच्छेद दो में क्या प्रावधान है संसद सामान्य बहुमत से किसी नए क्षेत्र को भारतीय संग्राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है सुनील प्रजापत जी जोधपुर से आ रहे इसका नमस्कार नमस्कार तो इसको सुन लीजिए ठीक है ना तो ये ध्यान रखना अनुच्छेद दो में क्या प्रावधान है संसद सामान्य बहुमत से किसी नए क्षेत्र को भारतीय संग्राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है तो मित्रों ये वाला प्रावधान है तो इसमें गड़बड़ नहीं करना ठीक है ना जैसे गोवा का विलय किया गया था भारत में तो सामान्य बहुमत से कर दिया गया था कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया सामान्य बहुमत से काम चल गया तो हमारे यहाँ चाहे वास्तव में कितना भी बड़ा नया क्षेत्र हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो अगर हमसे कहता है कि भाई ठीक है भारत में शामिल करो तो हमारी संसद सामान्य बहुमत से नए क्षेत्र को शामिल कर लेगी उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये आपको ध्यान में रखना है तो गोवा कैसे ले किया गया अनुच्छेद दो के अपवाद क्या हैं मैंने इस पर चर्चा ज़्यादा थी क्योंकि अपवाद में से क्वेश्चन आते हैं अपवाद में क्या है मैंने कहा अगर किसी को सह राज्य के रूप में शामिल किया जाता है तो उसके लिए संशोधन करना होगा अगर किसी को सह राज्य के रूप में शामिल किया जाता है तो संशोधन करना होगा क्योंकि हमारे यहां सह राज्य का सिस्टम स्वीकार नहीं किया जाता सह राज्य का सिस्टम स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि हमारे यहां कहते हैं साहब कि या तो भाई शादी करके अपने में विलय कर लो पूरा या बहन बना लो फ्रेंड व्रेंड नहीं चलता हमारे यहाँ फ्रेंड का कॉन्सेप्ट नहीं चलता तो ये तो फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है तो सिक्किम को दिया गया था उन्नीस सौ पचहत्तर में सहराज्य का दर्जा तो इसलिए वहाँ पैंतीसवां संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा और साथ में अनुच्छेद दो ए जोड़ना पड़ा ये एक्ट पारित किया था इसके लिए फिर अनुच्छेद दो ए भी जोड़ा था तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप ठीक है ना बाद में छत्तीसवें संशोधन अधिनियम उन्नीस में सिक्किम का पूर्ण विलय कर लिया गया देखो जब शह राज्य को शामिल करते हैं ना तो तब भी संशोधन करना पड़ता है ये भी ध्यान रख लेना ठीक है ना सिंपली क्षेत्र को शामिल करते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब शह राज्य को शामिल करते हैं तो तब भी सारे काम कर लेना चाहिए ठीक है ना तो ये ध्यान में रखना है तो ये सारी बात आपको पता रहनी चाहिए अब आगे आते हैं ये अपवाद हो गया दूसरा अपवाद क्या है अगर किसी क्षेत्र का त्यागना हो अगर किसी भारतीय क्षेत्र को त्यागना हो तब भी संविधान संशोधन की वक्त कार्रवाई करनी होगी किसी भारतीय क्षेत्र को त्यागना हो दूसरे देश को देना हो तो ऐसे उदाहरण मैंने बताए थे कौन कौन से उदाहरण है कोई बताएगा देखो सितेंद्र जी बता रहे हैं ठीक है ना तो भैया बताओ ना जल्दी से क्यों शर्मा रहे हो बताओ कौन कौन से क्षेत्र कब कब त्यागे एक आध उदाहरण दो बुक मिल गई तेरी भाई भैया बुक तो मिल जाएगी क्या लिख रहे हो बेटा कुछ अच्छा सा लिख दो यहाँ बता दो मेरे बच्चा बता दो आप जैसे युवा इंटेलिजेंट अगर ऐसे करेंगे तो काम कैसे चलेगा तो ये बताओ कौन सा क्षेत्र त्यागा था अभी भी बताने को आप तैयार नहीं सितन्दर जी बोलो ये ठीक है ना कि कौन कौन से क्षेत्र त्यागे हैं एक तो बेसिकली बेरूबाड़ी क्षेत्र का त्याग किया था हमने पाकिस्तान को दिया था ये बेरुबाड़ी क्षेत्र कहाँ पर है पूर्वी पाकिस्तान में था बांग्लादेश में 1960 में ये त्यागा था इसके लिए फिर नवा संशोधन अधिनियम 1960 में किया था ये आपको ध्यान में रखना चाहिए ठीक है ना इसी प्रकार से कि बांग्लादेश को ही जब भूमि संबंधी समझौता किया गया सोवा संशोधन अधिनियम पारित किया गया दो में मई 2015 में तब भी हमें सोमा संशोधन अधिनियम करना पड़ा था बांग्लादेश के भूमि संबंधी समझौता लागू करने के लिए भी सोमा संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा था तो ये बातें आपको सिंपली सिंपली ध्यान रखनी चाहिए अब उसके बाद अनुच्छेद तीन भी मैं बता देता हूँ रिपीट कर देता हूँ मैंने कल पूरा बताया था कल क्लास को उठा के देख लेना उसको अभी तो डाउनलोड ही है आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा फिर अभी नागरिकता पर आ जाएंगे बांग्लादेश के साथ कपिल देव जी बिल्कुल राइट तो सतेंद्र जी कोई बात नहीं बेटा काम तो चलना चाहिए अब थोड़ा सा ध्यान दे लो ठीक है ना अनुच्छेद तीन में क्या प्रावधान है जल्दी बताओ संसद सामान्य बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है किसी राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद सामान्य बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है सीमा व नाम में परिवर्तन कर सकती है तो यहां भी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा अगर वास्तव में नए राज्य का निर्माण हो रहा है तो संसद सामान्य बहुमत से ही कर सकती है अगर कोई आपसे पूछे पूछे तेलंगाना राज्य का निर्माण के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ संविधान संशोधन नहीं हुआ सामान्य बहुमत से पास हुआ है उसे संविधान संशोधन नहीं मानते तो ये भी ध्यान रख लेना है अब अनुच्छेद तीन में ये बातें संसद सामान्य बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है यानी कि नए राज्यों के निर्माण सीमा नाम में परिवर्तन की अंतिम शक्ति किसमें नहीं तय संसद में नहीं तय दूसरा चूंकि जो वास्तव में यहाँ साफ कहा गया है तीन में कि नए राज्यों का निर्माण संसद कर सकती है यानी कि राज्यों का अस्तित्व सुरक्षित नहीं है इसलिए कहते हैं भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है दोबारा सुन लेना यह भी क्वेश्चन बहुत बार आता है भारत विनाशी राज्यों का क्या है अविनाशी संघ है तो बार बार कहते हैं कि बेसिकली ये क्या स्टेटमेंट है, है भारतीय संघ के बारे में क्या सत्य है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है तो क्या याद रखना है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है कि स्टेट तो डिस्ट्रिक्टेबल है लेकिन जो संघ है यूनियन है वो अनडेस्ट्रिक्टेबल है उसका विनाश नहीं हो सकता ये आपको ध्यान में रखना है तो मित्रों ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है एक क्वेश्चन और मैंने बताया था वो भी ध्यान में रखना है कि बेसिकली साफ कहा था कि अनुच्छेद तीन में कई क्वेश्चन आ जाए संघात्मक शासन पे कौन सा अनुच्छेद प्रहार करता है तो अनुच्छेद तीन ही प्रहार करता है ये भी आपको ध्यान में रखना है फिर इसके बाद आपको अनुच्छेद चार में क्या प्रावधान है अनुच्छेद दो तीन की प्रक्रिया संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी साफ़ साफ कहा गया है अब मित्रों हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर अब मैंने जो आपको पढ़ाया कल पूरा बताया आज भी मैंने काफी कुछ बता दिया तो हम कुछ क्वेश्चन भी कर लें तो अब आप आंसर देना भूलना मत अब देखते हैं आप में से कोई आंसर देता है या नहीं देता तो देखते हैं अब देखिए अनुच्छेद देख एक भारत राज्यों का यूनियन से संबंधित नहीं है तो कौन सा संबंधित नहीं है वो आपको ध्यान रखना है देखो इसमें पहला ए ऑप्शन है केंद्र शक्तिशाली है यूनियन शब्द बता रहा है केंद्र शक्तिशाली है बी बता रहा है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है सी यूनियन शब्द फेडरेशन से भिन्न है बिल्कुल सही है राज्य शक्तिशाली होंगे जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा आंसर होगा अरुणा चौहान जी सनवरलाल प्रजापत जी जल्दी जल्दी बताइए न्यू कुमार गौरव सर Earth... बिल्कुल बताइए आप लोग कि वास्तव में इसमें आंसर कौन सा है जल्दी बताइए अनुच्छेद एक में भारत राज्यों की यूनियन है इसका क्या मतलब है कौन सा मतलब नहीं है को क्वेश्चन में नहीं है दे रखा है तो नहीं है कौन सा आएगा जल्दी बताइए कि केंद्र शक्तिशाली है ये तो सही है ये तो कहा है नहीं है मैं तो नहीं आएगा राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं ये भी सही है यूनियन सब फेडरेशन से बिना है ये भी सही है आंसर कौन सा है कपिल देव जी ने सही कहा डी है बलबीर सिंह जी देखो मैंने कहा ना बच्चा दिमाग से काम करो राज्य शक्तिशाली नहीं होंगे केंद्र शक्तिशाली होगा तो ये एकदम विपरीत आंसर है तो डी आंसर हो जाएगा तो आप ध्यान से सुन लीजिए अब अगला क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ तो आप अगला ही ढंग से करना अनुच्छेद दो में प्रावधान है नए राज्यों के निर्माण का राज्यों के नाम सीमा परिवर्तन का भारतीय संग्राज्य क्षेत्र से क्षेत्र के त्याग का भारतीय संग्राज्य क्षेत्र में नए क्षेत्र को सम्मिलित करने का तो कौन सा प्रावधान है जल्दी बताइए अब इसमें आंसर देखिए जल्दी जल्दी बताइए दो क्वेश्चन का आंसर बताइए बलबीर सिंह जी डी दिनेश जी डी वेरी गुड अरुणा चौहान जी डी अरुणा चौहान जी डी ठीक है ना और रघुवीर सिंह जी डी वेरी गुड ठीक है और और कौन बता रहा है डी बस दिनेश जी मेघवाल जी ए बता दिया वास्तव में इसका आंसर डी है इसमें प्रावधान क्या है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में नए क्षेत्र के सम्मेलन का त्यागने का तो है ही नहीं है अपवाद में आता है वो तो तो ये ध्यान में रखना है तो आंसर हो जाएगा डी तो आपने बहुत अच्छा बताया दीपक कुमार जी ने डी आंसर है वेरी गुड कपिल जी भी सही बता रहे हैं काफी बच्चे अच्छा बता रहे हैं वास्तव में आप इंटेलिजेंट तो हैं मैं तो सोच रहा था बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं स्वर्णलाल प्रजापत जी भी बता रहे हैं वेरी गुड तो ये आपको ध्यान में रखना है अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो थोड़ा सा सावधानी के साथ सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया पैतीस ए पैतीसवें संशोधन द्वारा बी छत्तीसवें संशोधन अधिनियम द्वारा सी सैतीसवें संशोधन अधिनियम द्वारा डी अड़तीसवें संशोधन अधिनियम द्वारा जल्दी से बताइए किसके द्वारा दिया गया दर्जा तो आप बताइए जल्दी से ठीक है ना तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको ध्यान है पैंतीसवें द्वारा दिया गया था उन्नीस में तब अनुच्छेद दो ए भी जोड़ा गया था मैंने अभी बताया है आपको तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्लियर है बिल्कुल कपिल देव जी सही बता रहे हैं बलबीर सिंह जी सही बता रहे हैं काफी बच्चे अच्छा बता रहे हैं लेकिन आप बताते रहिए कंटिन्यू अब अगला क्वेश्चन ले लें अब अगला क्वेश्चन भी ध्यान से सुन लीजिएगा तीन हो गया अब चौथा लेते हैं किस संशोधन नियम द्वारा बांग्लादेश भूमि संबंधी समझौते का क्रियान्वयन किया गया जल्दी बताओ किस समझौते द्वारा किया गया सौवें संशोधन नियम द्वारा एक सौ एकवें संशोधन अधिनियम द्वारा एक सौ तीनवें संशोधन निगम द्वारा एक सौ चारवें संशोधन अधिम द्वारा देखो जल्दी से आंसर बताओ जल्दी से बताइए 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 शशि सैनी जी सर जी नमस्ते नमस्ते बेटा आंसर बता दो ठीक है ना ए ए बताया ए रवि वर्गी जी ए वेरी गुड कपिल देव जी ए हंड्रेड बिल्कुल सही है सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है सब ने कहा सोवे संशोधन नियम 2015 का है मई 2015 का तो ये आंसर का ये आंसर हो जाएगा ए तो ये आपका बिल्कुल सही है अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके समक्ष पांच नंबर तेलंगाना राज्य बना जल्दी बनाओ तेलंगाना राज्य ने कब बना अब इसका कौन बताएगा पहला है जून दो जून 2013 को दो जून 2014 को दो जून 2015 को दो जून 2016 को ये एग्जाम्स में क्वेश्चन सभी में आ चुका है रीट में पहले आ चुका है सब परीक्षा में पटवार में आर एस में सब में आ चुका है पहले जल्दी से बताओ आई की परीक्षा में भी आया है इसका आंसर है दो जून दो बी आंसर है कई बच्चे बता रहे हैं बी बलबीर सिंह जी ने बताया सबसे पहले वेरी गुड रविवर्गीय जी बता रहे हैं ठीक है ना बी वेरी गुड संसारल प्रजापत जी भी बता रहे बी कपिल देव जी वेरी गुड बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आपने सबने पांचवें में ये बताया अब आगे देखते हैं छः नंबर क्वेश्चन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया कब बनाया गया 31 अक्टूबर 2016 को 31 अक्टूबर 2017 को 31 अक्टूबर 2018 को 31 अक्टूबर 2019 को जल्दी से छठे का आंसर बताइए देखिए कौन बताता है छठे का आंसर सत सैनी जी जल्दी बताइए अरुणा जी जल्दी बताइए दिनेश मेघवाल जी बताइए जल्दी जल्दी बताइए कौन बता रहा है देखो अभी तक कोई नहीं आ रहा है सामने मुझे बताना पड़ता है लगता है ये इकत्तीस अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर मैंने कहा था पहले जम्मू कश्मीर राज्य था फिर इसको दो भागों में दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया एक तो जम जे एंड के केंद्र शासित यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी तो आपको ध्यान रखना चाहिए दो यूटी बना दी थी इकतीस अक्टूबर दो हजार उन्नीस को कहाँ ध्यान है डी आंसर है वेरी गुड अब दिनेश मेघवाल जी अब बोल रहे हैं तो रविवर्गीय जी बता रहे हैं वेरी गुड तो ये ध्यान में रखना है अब एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने फिर उसके बाद हम नागरिकता चलेंगे दादर नगर हवेली व दमनदीप केंद्र शासित प्रदेश को एकीकृत कर एकल एक बनाया गया भाई पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे अब दोनों को जोड़कर एक बना दिया ऐसा कब किया गया 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2019 को 26 जनवरी 2018 को 26 जनवरी 2017 को जल्दी बताइए जल्दी से राघवेंद्र सिंह जी जल्दी बताइए सातवें का क्वेश्चन का आंसर बताइए राजपाल चौधरी जी भी जुड़ गए हैं मेरा सही था बिल्कुल आपके सारे सही हैं लेकिन अभी ए वाला सातवां बता दीजिए देखो बी बता रहे हैं रवि वर्गी जी ए बता रहे हैं सर हम कमेंट कर रहे हैं आपको लेट पहुंच रहा है सर कोई बात नहीं बेटा लेकिन आप अपने दिल में तो रखो अगर आपका सही है तो बेटा सही रहेगा आप टेंशन ना लो ठीक है ना स्वर्णकाल प्रजापति सात का ए ठीक है ना बिल्कुल सही है ए रविवर्गीय जी अरुणा जी बिल्कुल सही है राजपाल चौधरी जी ए आंसर है बेटा 26 जनवरी 2020 को दोनों को एकीकृत किया गया था ये डेट याद रखनी है अब बेटा ये छोटी छोटी बातें भी आपको याद नहीं रहेंगी तो फिर आपका विकास नहीं होगा तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखना है अब ये सारा चीजें क्वेश्चन आंसर पता रहने चाहिए अब बेटा ये तो संघ राज्य क्षेत्र वाला जो भाग एक है वो हमने कर लिया अब हम भाग दो पर चर्चा करेंगे नागरिकता पर आज अब नागरिकता के बारे में आपको धीरे धीरे सुनना है और समझना है देखो बेटा भागना नहीं है इसमें आसानी के साथ सारी चीज़ें करनी है तो आसानी के साथ मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं तो क्वेश्चन आंसर भी बेटा तभी होंगे जब आप ये समझेंगे तो अब नागरिकता को धीरे धीरे समझना है कि भाग दो में संविधान के भाग दो में नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद पाँच से ग्यारह तक है अब ये बातें ध्यान रखनी है अब नागरिक सबसे पहले नागरिक कौन है सबसे पहले तो नागरिक कौन है ये ध्यान रखना है आप कोई परिभाषा आ जाए कि नागरिक कौन है हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया तो सिटीजन की डेफिनेशन क्या है तो ये आपको बताओ कोई बात नहीं बेटा कमेंट लेट पहुंच रहा है तो दीपक कुमार जी आप टेंशन ना लो कमेंट को, को लेट पहुंचने दो आपको कोई फर्क नहीं है आप तो बस यह ध्यान रखो कि नागरिक कौन है इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करो नागरिक कौन होता है कि जिस व्यक्ति को राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्य स्वीकार कर लिया है जिस व्यक्ति को राजनीतिक समुदाय का राजनीतिक समुदाय का मतलब है मतदान का अधिकार वोटिंग राइट्स मिलना पूर्ण सदस्य स्वीकार कर लिया है वह नागरिक है यानी कि जिसको वोटिंग राइट मिल गया ठीक है ना वो नागरिक है अब यह बात तो आपको ध्यान हो जानी चाहिए इसमें आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए नागरिक कौन है जिसको राजनीतिक समुदाय का पूर्ण सदस्य स्वीकार कर लिया गया है यानी कि वोटिंग राइट दे दिया गया है मतदान का अधिकार दे दिया, दिया गया है वो नागरिक है इसके बाद क्या डेफिनेशन ध्यान रखनी हमें कि नागरिकता की अवधारणा किससे जुड़ रही है गणराज्य से या लोकतंत्र से तो नागरिकता की अवधारणा कहते हैं गणराज्य से जुड़ रही है, तो है। सीधा सा मतलब है गणराज्य से जुड़ी हुई है लोकतंत्र से ज्यादा संबंधित नहीं है इन दोनों में से ज्यादा अगर क्वेश्चन आए कि इन दोनों में से ज्यादा किससे जुड़ रही है तो गणराज्य से जुड़ रही है क्यों क्योंकि राज्य अध्यक्ष प्रथम नागरिक होता है प्रथम नागरिक होता है तो ये क्वेश्चन भी आई में भी आ चुका है और ये कई छोटे छोटे एग्जामों में भी आ चुका है आपके हेडमास्टर के एग्जाम में भी आ चुका है तो नागरिकता की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है गणराज्य के साथ क्यों जुड़ी हुई है क्योंकि राज्य अध्यक्ष प्रथम नागरिक होता है तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है अगली क्वेश्चन क्या बनता है वो ध्यान रखना नागरिकता की अवधारणा बेसिकली प्रजा पर बल देती है या नागरिकता पर तो भाई नागरिकता पर बल देती है प्रजा पर बल नहीं देती प्रजा नहीं मानती नागरिक मानती है यानी कि अधिकारों पर बल देती है किस पर बल देती है अधिकारों पर तो आपको ये भी ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन जो है वो नागरिकता संबंधित क्या बनता है भागना नहीं है ध्यान से सुनना है बेटा एक एक बात फिर क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे आपको ठीक है ना तो नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 बेटा 1955 भी है तो बाकी भी कराएंगे छियासी भी कराएंगे आपको 2003 भी कराएंगे 2016 भी बताएंगे 2019 भी बताएंगे और 2021 में भी अब छोटा सा अमेंडमेंट किया है वो भी बता देंगे बेटा क्यों टेंशन लेते हो <coughs> तो आपको सारा ही कराएंगे बेटा आर एस का आर एस का एसआई का सिलेबस पूरा होगा आप इसमें टेंशन ना लो बिल्कुल भी बेटा तो आप तो बस देखते जाओ आनंद लेते जाओ दुनिया का आनंद अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो बेटा आपको सारा समझ आएगा आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी आपको पूरा ही कराएंगे ठीक है ना लाइव क्लास में ही कराएंगे अगला बेटा ध्यान रखना है कि नागरिकता संबंधित अनुच्छेद ऐसे हैं जो 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए थे ये बात मैंने आपको पहले दिन भी बताई थी कि वास्तव में तीन में साफ लिखा है कि पाँच छः सात आठ नौ अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित हैं ये 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए थे यानी कि 26 नवंबर उन्नीस को ही लागू हो गए थे तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है नागरिकता से संबंधित अनेक अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए थे तो ये भी आपको पता रहनी चाहिए शशि सैनी जी वेरी गुड आपने सही बता रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है तो ये बातें तो आपको पता रहनी चाहिए अब नागरिकता से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं पांच से ग्यारह हैं तो मैं पांच से ग्यारह आपको बता रहा हूं इनको धीरे धीरे प्यार से सुनना है बेटा भागना नहीं है सुनने पर ध्यान देना है इसमें एक कॉमन सेंस है वो कॉमन सेंस आपको पता रहना चाहिए देखो बेटा पहले मैं बताता हूं पांच नंबर आर्टिकल में क्या प्रावधान है छः में क्या है सात में क्या है आठ में क्या है नौ में क्या है दस में क्या है और ग्यारह में क्या है यह ध्यान रखना है देखो बेटा पाँच में क्या प्रावधान है पाँच छः सात जो तीन आर्टिकल हैं ये विभाजन के समय से संबंधित हैं आज इनका विशेष महत्व नहीं है निष्क्रिय हैं ये आज निष्क्रिय हैं विभाजन के समय में इनका विशेष महत्व था आज इनका कोई विशेष महत्व नहीं है लेकिन फिर भी नए कानून के आधार के काम के रूप में काम आ जाते हैं पांच में क्या प्रावधान है इसमें कहा गया स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो पिछले पांच वर्ष से पांच वर्ष से भारत में अधिवास कर रहा था निवास कर रहा था उसे आसानी से भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी भाई विभाजन जब हमारा हुआ था आपने देखा होगा विभाजन के समय कितनी हाहाकार मची थी तो विभाजन के समय बेसिकली कोई भी पिछले पांच वर्ष से अगर भारत में रह रहा रह था तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी ये प्रावधान है यानी कि पांच में पांच वर्ष वाला प्रावधान है ये आपको ध्यान में रखना है पांच में क्या प्रावधान है पांच वर्ष वाला कि विभाजन के समय कोई भी पिछले पांच वर्ष से भारत में रह रहा था तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी छे में क्या प्रावधान है छे में दिल्ली सिक्स वाला है दिल्ली सिक्स मूवी देखी होगी ससुराल गेंदा फूल देखिए वही गाना सुना होगा आपने दिल्ली सिक्स वाला तो दिल्ली वाला सिक्स वाला प्रावधान है छह नंबर में छह वाला मुझे लगता है कि दिल्ली सिक्स मूवी के जो डायरेक्टर थे छे नंबर आर्टिकल से प्रभावित है अब ये नहीं कह सकते छे नंबर आर्टिकल दिल्ली सिक्स से प्रभावित है मैं ये कहना चाह रहा हूं छे नंबर आर्टिकल से दिल्ली सिक्स वाली मूवी प्रभावित है कैसे दिल्ली में कौन रहता है पाकिस्तान से आए अधिकांश हिंदू प्रवासी रहते हैं पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासी लोग रहते हैं तो उनके बारे में ही है पाकिस्तान से जो हिंदू आए विभाजन के समय ठीक है ना तो उन्हीं के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भाग मिल्का सिंह भाग में भी दिखाया गया था कि किस तरीके से हिंदू आए थे तो वो बेसिकली उनके बारे में है तो इसमें साफ लिखा है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं अगर उनकी डेट है 19 जुलाई 1948 तक आ गए हैं तो उन्हें आसानी से भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी क्या ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं कब तक आए हैं 19 जुलाई 1948 तक आए हैं तो उन्हें आसानी के साथ भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी तो ये ध्यान रखना कि वास्तव में ये ऐसे लोगों के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत में आए कब आए विभाजन के समय ठीक है ना विभाजन वाला तो ध्यान है ना तारा सिंह वाली पिक्चर भी आई थी कौन सी आई थी तारा सिंह की आई थी ना ही नहीं आपको तारा सिंह की किस पिक्चर आई थी कोई आई थी ठीक है ना पता है नहीं अमीषा पटेल का नाम नहीं पता सनी देवल का पता नहीं है आपको कुछ नहीं जानते आप तो पिक्चर भी नहीं देखते दिल्ली सिक्स वाली तो देखी होगी पता नहीं किसकी थी ये भी बता दो अभिषेक बच्चन की थी कि नहीं थी तो दिल्ली सिक्स में यानी कि इसमें सिंपल है पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों के बारे में अब सात नंबर आर्टिकल देखते हैं सात नंबर जो आर्टिकल है बेटा ये बेसिकली सात से जुड़ा हुआ है सात का मतलब है कि ऐसे मुसलमान लोग पहले उन्होंने मुसलमान का नारा दिया इस्लाम का नारा दिया और पाकिस्तान चले गए बिल्कुल कपिल देव जी ने कहा गदर मूवी थी बिल्कुल सही है गदर के समय भी ऐसी हालत थी नाम तो आपको सारे ध्यान है बलबीर जी भी कह रहे हैं गदर थी अरुणा जी भी कह रही गदर पिक्चर तो डाप ढंग से देखते हैं बस पढ़ ढंग से नहीं रे जैसे पिक्चर देखते हो ना बेटा ऐसे ही पढ़ाई करो पिक्चर हमें 20 साल पुरानी भी याद रहती है लेकिन ये पढ़ाई एक घंटे बाद याद नहीं रहती है कारण क्या है वहाँ हमारे दांत फटते रहते हैं हम हंसते रहते हैं दिल से देखते हैं यहाँ मजबूरी में पढ़ते हैं एक मिनट देखा फिर कहते हैं बेकार है मास्टर चाय पी लो अब मास्टर की शकल पर थोड़ी जाते हो मुझे थोड़ी सन्नी देवल बनना है सन्नी देवल तो आप ही बनेंगे ठीक है ना तो सात से संबंधित है सातवां वाला ये कैसे लोगों के बारे में ऐसे मुसलमानों के बारे में जो पहले तो पाकिस्तान गए फिर पुनः वापिस भारत लौट कर आए तो उनके बारे में इसके लिए डेट भी दे रखी है एक मार्च उन्नीस तो सात नंबर आर्टिकल किसके बारे में ऐसे मुसलमानों के बारे में हैं जो पहले पाकिस्तान गए पुनः भारत लौट कर आए अगर वो एक मार्च उन्नीस तक आ गए तो उन्हें आसानी से भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी अब दोबारा से सुन लो पांच छ सात आर्टिकल ये विभाजन के समय से संबंधित हैं तभी उपयोगी थे आज इनका कोई विशेष महत्व तो नहीं है लेकिन किसी नए कानून निर्माण का आधार हो सकते हैं पांच में क्या कहा गया है विभाजन के समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कोई भी अगर पिछले पांच वर्ष से भारतीय भारत में रह रहा है रह रह व्यक्ति तो उसे भारतीय नागरिकता आसानी से दे दी जाएगी तो ये प्रावधान छे में क्या प्रावधान है छः में ऐसे लोगों के बारे में प्रावधान है जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत लौट कर आए थे विशेषकर हिंदू लोग थे तो उनके बारे में दिल्ली सिक्स मूवी से जुड़ा हुआ है इसके लिए अंतिम तिथि भी दी थी उन्नीस जुलाई उन्नीस अब यह भी क्वेश्चन में ध्यान रखना है सात सात सौ छियासी संबंधित है ऐसे मुसलमानों से संबंधित है जो पहले इस्लाम का नारा देकर पाकिस्तान गए फिर उसके बाद पुनः भारत लौट कर आए क्योंकि उन्हें सेकेंड कैटेगरी का मुसलमान कहा गया था अगर किसी ने सरफरोश मूवी देखी हो तो उसमें भी साफ दिखाया गया है कि सेकंड कैटेगरी का मुसलमान कहा गया था मुसलमान यहां से गए थे तो उन्हें निम्न कैटेगरी का मुसलमान कहा गया था इसलिए बेचारे वापस भागकर वापस आ गए ठीक है ना तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री के कारण फिल्म याद रहती है बलबीर जी यहां भी ऑनलाइन श्रव्य दृश्य सामग्री है ये भी पिक्चर ही बन रही है आपकी तो ये याद क्यों नहीं रहती ठीक है ना ये भी श्रव्य दृश्य सामग्री है ये कौन सी सामग्री है इसमें श्रव्य भी है दृश्य भी है और क्या चाहिए आपको वही पिक्चर ही तो बना दी हमने फिर भी बोल रहे हैं ऐसे तो चलिए सरफरोश मूवी बताइए सरफरोश में क्या साफ बताया था नसरुद्दीन शाह को याद कर लो नसरुद्दीन शाह को वो कहता भी है कि वास्तव में पाकिस्तान में जो मुसलमान गए उनको सेकंड कैटेगरी के मुसलमान कहा गया कि जब एक पाकिस्तान का अधिकारी आता है उसे मुजाहिद कहता है सेकंड कैटेगरी का मुसलमान कहता है तो कहता है तुम हमें मुजाहिद ही कहोगे सेकंड कैटेगरी का मुसलमान कहोगे इसलिए अधिकांश मुसलमान वापस भी लौट कर आए थे अधिकांश आए थे इसलिए उनके बारे में यानी कि सात नंबर आर्टिकल ऐसे मुसलमानों के बारे में जो पहले पाकिस्तान गए फिर पुनः भारत लौट कर आए अब ये पाँच छः सात तो आपको ध्यान रहने चाहिए अब उसके बाद मैं आठ नौ दस ग्यारह कराता हूँ आठ में क्या प्रावधान है नौ में क्या प्रावधान है दस में क्या प्रावधान है ये भी ध्यान रखना है और ग्यारह में क्या प्रावधान है देखो मित्रों आसानी से करना है इसमें रोना धोना नहीं है रोएंगे तो फिर आपके सामने समस्या आ जाएगी आठ नंबर आर्टिकल में क्या है ये ध्यान से सुनना है आठ नंबर आर्टिकल में सिंपल सा साफ कहा गया है अगर किसी विदेशी नागरिक के कोई भी व्यक्ति है विदेशी नागरिक है उसके माता पिता अगर भारतीय नागरिक रहे हैं तो और वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे आसानी से भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी जैसे कल्पना चावला है उसके माता पिता भारतीय नागरिक थे अगर उ, उसके आज बच्चे भी चाहते हैं कि बेसिकली हमें भारतीय नागरिकता मिले तो उसे आसानी से दे दी जाएगी क्योंकि उसके दादा परदादा कभी ना कभी कोई वंशज को भारतीय नागरिक रहा है तो आठ में क्या प्रावधान है किसी व्यक्ति के पूर्वज वंशज एक ही मतलब है भारतीय नागरिक रहे हैं और वो भारतीय नागरिक रहे हैं तो उसे भी उसे भी भारतीय नागरिकता आसानी से दे दी जाएगी भाई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं ज़्यादा जांच नहीं होगी आसानी से मिल जाएगी अब देखो बेटा प्रोसेस तो करना पड़ेगा फिर भी उसे अन्य व्यक्तियों की तुलना में आसानी के साथ मिल जाएगी तो ये वास्तव में आठ में कहा गया है अगर किसी व्यक्ति के दादा परदादा पिताजी कोई भारतीय नागरिक रहे हैं आज वो विदेशी नागरिक है उसके बाद वो भारत आना चाहता है तो उसके लिए ज़्यादा प्रोसेस नहीं है तो वो आसानी से उसको रिलीफ देते हुए आसानी से भारतीय नागरिक बना दिया जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद आपको नौ नंबर आर्टिकल ध्यान रखना है नो no नंबर भी मैं बताता हूं आपको नो आर्टिकल नौ में क्या प्रावधान है आर्टिकल नौ नौ नंबर में भी लेते हैं इसमें क्या प्रावधान है 9 में क्या प्रावधान है 9 में कहा है अगर कोई भारतीय नागरिक यदि कोई भारतीय नागरिक दिख रहा है यदि कोई भारतीय नागरिक चलो ये आपको कम नजर आएगा तो इसमें ग्रीन तो ग्रीन पे चलेगा ही नहीं येलो देखते हैं यदि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी देख लीजिए तो आप स्वतः समाप्त हो जाएगी इसलिए आप भी दूसरे देश की नागरिकता मत लेना नहीं तो आपकी भी भारतीय नागरिकता खत्म क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है इसका मतलब अनुच्छेद 9 क्या कहता है आप हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान ना होकर क्या है एकल नागरिकता का प्रावधान है तो ये ध्यान रख लेना अक्षय गौर जी सुनीता राज जी अक्षय गौर जी ध्यान रखना है बलबीर सिंह जी कि आपको भी दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेनी है वीजा बने बनावा लेना अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो फिर आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी तो ये सिंपल एकल नागरिकता का मार्गदर्शन देता है तो हमें दूसरे देश की नागरिकता प्रदान करने की बात नहीं करता हमारा देश कहता है भारत के हो जाओ दिल से जो होना है अब दो दो जगह दिल नहीं लगाना है हमारे यहाँ एकल विवाह चलता है और एकल नागरिकता चलती है तो दस नौ में ये प्रावधान है ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी यानी कि अनुच्छेद नौ कहता है एकल नागरिकता रहेगी भारत में अब दस में क्या प्रावधान है वो भी ध्यान रखना है दस में क्या है दस में कहा गया है दस नंबरी तरीके से यानी कि फ्रॉड तरीके से अवैधानिक तरीके से अनैतिक तरीके से किसी की भारतीय नागरिकता नहीं छीनी जाएगी जैसे हम भारतीय हैं कल को हम नेता की आलोचना करते हैं अब बस वो तो दिमाग में ले ले उनको भारत से बाहर भगाना नहीं भगा सकता ये अनुच्छेद दस कहता है दस क्या कहता है किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता भारतीय नागरिक की नागरिकता नागरिकता गलत तरीके से अवैध तरीके से गलत तरीके से या अवैध तरीके से नहीं छीनी जाएगी ठीक है ना तो दस नंबर कहता है आर्टिकल दस नंबर तरीके से दस नंबर ही मतलब फ्रॉड तरीके से नागरिकता नहीं छीनी जाएगी नहीं छीन सकता कोई चाहे हम प्रधानमंत्री का आलोचना कर दें तो हमें भारत से बाहर नहीं निकाल सकता चाहे हम किसी की आलोचना करें तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों कि वास्तव में कि दस नंबर में क्या है कि दस नंबर ही तरीके से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है तो ये आपको ध्यान रखना है ग्यारह नंबर ध्यान रखू किसकी छीनोगे दीपक कुमार जी रविवर्गीय जी में नहीं डाल सकते कोई कुछ नहीं कर सकता सक्सेस पॉइंट वाले बोल रहे हैं ओके सर जी मजा आ रहा है मजा तो आपको मित्रों आएगा लेकिन अब ये ध्यान रख लेना कोई नेता कुछ नहीं जेल में डालने से क्या जेल तो हमारा घर रहता है तो बड़े बड़े नेता जेल जाते हैं बल्कि जेल जाने से तो नेता का रास्ता साफ होता है नौकरी में दिक्कत आती है तो छोटी बात है उसे डरना भी नहीं चाहिए अब हम आते हैं अनुच्छेद ग्यारह में अनुच्छेद ग्यारह को भी सुनना है मित्रों तो आपको सबको मजा आएगा मित्रों ध्यान ना रखना बस क्या याद करना अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया ध्यान से सुनना है अनुच्छेद 11 में प्रावधान है संसद सामान्य बहुमत से नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी संसद सामान्य बहुमत से नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी संबंधी कानून बनाएगी देखो मित्रों तो संसद ने बहुत सारे कानून बनाए नागरिकता संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 संशोधन अधिनियम 1986 अधिनियम 1986 के बाद 2003 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 फिर 2016, 2019 तो ऐसे बहुत सारे मित्रों कानून बनाए हैं तो संसद ने सामान्य बहुमत से पारित किए हैं किसी के लिए संविधान संशोधन अधिनियम में क्या पारित नहीं किया चाहे सी लेके आए तो सिंपल बहुमत से ला दिया तो इसमें कहीं भी ऐसी कोशिश नहीं की कि संविधान संशोधन पारित किया हो नहीं हमें संविधान संशोधन लाने की जरूरत नहीं है तो मैंने कहा ना नागरिकता संबंधी अनुच्छेद में या किसी में परिवर्तन करने के लिए संसद के सामान्य बहुमत से काम चल जाता है तो दिल की गहराइयों से नमस्ते सर आपका सदैव अभिनंदन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मुझे देख रहे हैं इसके लिए सभी का धन्यवाद तो मित्रों ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान है संसद सामान्य बहुमत से नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है तो इसीलिए इसी आधार इसी पर सामान्य बहुमत से नागरिकता अधिनियम उन्नीस नागरिकता संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ छियासी दो अभी सी वाला उन्नीस वाला है तो ये सारे पारित किए गए तो ये सामान्य बहुमत से पारित किए गए हैं ये आपको सारे के सारे ध्यान में रखने चाहिए इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी चाहिए अब आगे हम लेते हैं नागरिकता प्राप्ति के आधार क्या हैं और वास्तव में नागरिकता खोने के आधार क्या हैं पहले प्राप्ति के आधार समझ आ जाते हैं फिर खोने के आधार लेकिन मैं पाँच छः सात आठ नौ को जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूँ पाँच में क्या प्रावधान है जल्दी से बताओ पाँच में है कि बेसिकली स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कोई पिछले पाँच वर्ष से भारत का निवासी है वो भारत में निवास कर रहा है तो उसे भारतीय नागरिकता आसानी से दे दी जाएगी छः में क्या प्रावधान है छः में बेसिकली ऐसे लोगों के बारे में है जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे विशेषकर हिंदू समुदाय के लोग तो इनके लिए अंतिम तिथि उन्नीस जुलाई उन्नीस है साथ में सात का नारा देने वाले ऐसे मुसलमानों के बारे में जो पहले पाकिस्तान के गए जब पाकिस्तान में उन्हें सेकेंड कैटेगरी का मुसलमान कहा तो वापस भारत आए भारत आए तो उन्हें भारतीय नागरिकता फिर दे दी क्योंकि हमारा उदार है आ जाओ हमारे यहाँ तो हमने ऐसी नीति अपनाई थी तो बेसिकली साथ में सात वाला ध्यान में रखना सरफरश मूवी ध्यान रखना नसरुद्दीन शाह का कमिटमेंट याद रखना नहीं देखी तो पिक्चर देखना पिक्चर में भी नॉलेज ही रहती है बेटा सात नंबर आर्टिकल की व्यक्ति है जब पाकिस्तान का एक अधिकारी आता है भारत में नसरुद्दीन शाह से कहता है तुमने कुछ नहीं किया भारत में कोई आतंकवादी घटना नहीं की तो तुम तो वास्तव में मुजाहिद हो सेकेंड कैटेगरी के मुसलमान हो इससे पता चलता है कि वास्तव में वहाँ मुसलमान गए थे जो भारत से उनकी बेजती हुई है तो ये अनुच्छेद 11 में सिंपल अब ध्यान में रखना है सात नंबर आठ में क्या प्रावधान है अनुच्छेद आठ में प्रावधान है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है लेकिन उसके पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हैं तो उसे आसानी से भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी नौ में क्या प्रावधान है नौ में है, कोई भारतीय नागरिक हम जैसा नागरिक यदि विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे यहां एकल नागरिकता के प्रावधान है एकल विवाह के प्रावधान है दस नंबरी तरीके से अवैध तरीके से गलत तरीके से फ्रॉड तरीके से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान है संसद सामान्य बहुमत से नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी इसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है ये संशोधन शब्द है ये नागरिकता अमेंडमेंट बिल है यानी कि पचपन में संशोधन है ये ध्यान रखना है संविधान में संशोधन नहीं है इसके लिए एक्ट बनता है किसी आर्टिकल में लिखा नहीं जाता आप चाहे मूल इसका जो है आप डेरेक्ट भी देख सकते हैं तो अनुच्छेद ग्यारह में क्या प्रावधान है संसद सामान्य बहुमत से नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है तो बहुत सारे कानून बनाए गए पचपन में छियासी में 2003 में 2016 में 2019 में सी ए वाला आएगा तो ये सारी बातें आपको पता रहनी चाहिए अब हम आगे आते हैं भारत में नागरिकता प्राप्ति के आधार अब ये टॉपिक ध्यान रखना है भारत में नागरिकता प्राप्ति के आधार क्या क्या आधार हैं? जन्म पहला बाय बर्थ बर्थ से आप सुन लीजिए बाय बर्थ अब मैं एग्जाम्पल दूंगा एग्जाम्पल ध्यान रखना है बाय बर्थ अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है और उस समय जन्म के समय भारत में जन्म हुआ साथ में उसमें माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है ये भी ज़रूरी है खाली जन्म होने से कोई भारतीय नहीं होगा ऐसे तो कोई विदेशी घूमने आए और भारत में किसी बच्चे का जन्म हो गया अब वो कहेगा मुझे भारतीय नागरिकता चाहिए ऐसे आसानी से भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती जाती है भारत की धरती पर जन्म लेना बड़े गौरव की बात है ऐसे कोई भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है जन्म होने के साथ सरती है माता पिता में से कोई एक कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए तो उसे आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी जैसे सिंपल आपने रिफ्यूजी पिक्चर देखी हो अभिषेक बच्चन की आई थी करीना कपूर की तो उसमें बच्चे का जन्म होता है बॉर्डर पर होता है लेकिन भारतीय बॉर्डर पर होता है भारतीय बिल्कुल बॉर्डर पर सीमा पर इसलिए बच्चे का जन्म वहाँ होता है तो उस समय एक भारतीय नागरिक होता है तो इसलिए उसको आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाती है तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला आधार जो है नागरिकता प्राप्त देने का वो क्या है जन्म है जन्म के साथ क्या शर्त होनी चाहिए कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए दूसरा आधार क्या है वो भी देखते हैं आधार दूसरा आधार है वंश, डिसेंट, वंश मैंने पहले भी बताया आठ नंबर अनुच्छेद में वही वाला आठ नंबर अनुच्छेद की पुनरावृत्ति है कहीं ना कहीं आठ नंबर अनुच्छेद में भी कहा गया था इसमें भी यही कहा गया है यदि कोई व्यक्ति है ठीक है ना उसके पास विदेशी नागरिकता है और उसके माता पिता पूर्वज या दादा दादी कोई भी पूर्वज अगर भारतीय नागरिक रहे हैं तो उसे आसानी से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी तो ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है तो वंश में क्या प्रावधान है यदि किसी व्यक्ति कोई विदेशी व्यक्ति है उसके माता पिता या पूर्वज भारतीय नागरिक रहे हैं तो उसे आसानी से भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी उसके लिए कोई टिपिकल प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी ये आपको ध्यान रखना है कुलदीप जी दिनकर जी ठीक है ना तो ये बेटा जो छोटी छोटी बातें इन पर ध्यान दीजिए तो आपका काफी भला होगा तीसरा क्या है रजिस्ट्रेशन अभी एक मित्र ने बताया भी आप में से कि रजिस्ट्रेशन भी नागरिकता प्राप्ति का आधार है बिल्कुल सही कहा है लेकिन ये सबसे कठोर प्रक्रिया है नागरिकता प्राप्ति की ध्यान रखना सबसे अधिक जांच होती है इसी में तो आपसे अगर पूछे नागरिकता प्राप्ति के आधार के लिए सबसे टिपिकल प्रक्रिया कठिन प्रक्रिया कौन सी है तो ये है रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन सबसे टिपिकल प्रक्रिया है तो कठोर प्रक्रिया है सबसे ये ध्यान रख लेना आप क्वेश्चन आएगा फिर रोना मत कठोर प्रक्रिया है सबसे अधिक इसमें क्या क्या चाहिए पांच वर्ष का निवास चाहिए निवास अधिवास चाहिए और उसके बाद जांच होगी पूरी तो जांच में क्या क्या पूछते हैं कि यानी कि आप भारतीय संविधान में संस्कृति में आस्था रखते हैं कि नहीं ये भी जांच करते हैं संविधान संस्कृति में आस्था रखते हैं नहीं रखते हैं आपका आचरण कैसा है ये आचरण पर भी संस्कृति में आस्था की इन सब की अधिकारी जांच करते हैं जहाँ जहाँ आपने अधिवास किया है यानी कि निवास किया है वो पड़ोसियों से जा जा के पूछते हैं इनका कैसा था आधार कैसा नहीं है तो इसके बाद बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत ये रजिस्ट्रेशन मिलता है यह सबसे टिपिकल प्रक्रिया है इस पांच साल में जेल नहीं आएगा अब आप कहेंगे कसा भी जेल में रहा है पांच साल तो क्या उसको नागरिकता दे दी जाए नहीं वो तो जेल में बंद रहा है पांच वर्ष का सिंपल निवास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन कठोर ही होता है गुरुजी पूरी जांच पड़ताल के बिल्कुल सही है दिनकर जी तो कठोर प्रक्रिया है आसानी से नागरिक नहीं हो जाता तो यह ध्यान रखना है ठीक है ना तो यह ध्यान में रखना है कि पाँच वर्ष का निवास होना चाहिए उसमें जेल में बंद प्रक्रिया को या अवधि को शामिल नहीं किया जाता तो सबसे कठोर है तो बहुत सारे लोगों को इसी के तहत जब नागरिकता मिलती है इसके लिए कठोर प्रक्रिया भी अपनाई जाती है अगला आधार क्या है वो भी ध्यान रखना है अगला आधार है देशीकरण नेचुरलाइजेशन देसीकरण नेचुरलाइजेशन अंग्रेजी भी ध्यान रख लेना ये क्या है देसीकरण ये भी मैं बता देता हूँ आपको इसमें भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए देसीकरण का मतलब है सिंपल अधिवास से है जैसे कोई व्यक्ति भारत में नौकरी करने आता है लंबे समय तक रहता है अब वो कहता है कि भाई अब तो मैं यहीं बीस साल रह गया पंद्रह साल रह गया अब मैं आगे वापस विदेश अपने नहीं जाना चाहता देश में मैं तो भारत को ही अपना सब कुछ मानता हूँ अब यहीं रहना चाहता हूँ तो ऐसे व्यक्ति को भी आसानी से नागरिकता दे दी जाती है इसमें बारह वर्ष तक सेवा दिखाने होना जरूरी है यानी किस सेवा में रहा है बारह वर्ष तक वो तो उसका सर्विस रिकॉर्ड जनरली आधार पर लिया जाता है और उसके आधार पर फिर उसको आसानी से नागरिकता दे दी जाती है बहुत सारे लोग हैं जैसे आप जयपुर में भी देखेंगे या दिल्ली में देखेंगे तो बहुत सारे लोग एम कंपनी में काम करने आते हैं कुछ लोग दूतावास में काम करने आते हैं कुछ लोग अलग अलग सेवाओं में आते हैं मेरे भी एक मित्र थे तो रसियन थे वो तो डिफेंस के थ्रू आए थे कि उसमें सारा तो वो भी काफी लंबे समय से भारत में रह रहे थे तो ऐसे व्यक्ति अगर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं जब उनकी 12 वर्ष हो जाते हैं सेवा करते करते तो उन्हें भी आसानी से भारतीय नागरिकता दी जाती है उसके लिए कोई टिपिकल प्रक्रिया नहीं यूज की जाती अगला आधार भी आपको ध्यान रखना है पांचवा भी है क्षेत्र सम्मिलन क्षेत्र सम्मिलन इसमें क्या है क्षेत्र सम्मिलन का इसका भी आपको धीरे धीरे आधार समझना है मित्रों ध्यान से सुन लेना क्षेत्र सम्मेलन में क्या आएगा क्षेत्र सम्मेलन में यदि कोई नया क्षेत्र भारतीय संग्राज्य क्षेत्र में शामिल होता है जैसे गोवा शामिल हुआ सिक्किम शामिल हुआ नया हुआ किस प्रक्रिया से हुआ इससे कोई मतलब नहीं है भाई सिंपल हुआ या संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ कैसे भी हुआ तो जितना भी क्षेत्र सम्मिलित हुआ उसमें निवास करने वाले समस्त नागरिकों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी तो यह भी इसमें एक प्रावधान है कि नए क्षेत्र का जैसे सम्मेलन होता है उसके बाद भारतीय नागरिकता दे दी जाती है तो आपको ये सारी बातें पता रहनी चाहिए इसके बाद यह सारे प्रकार आपको सम्मेलन के ध्यान रखने चाहिए नागरिकता प्राप्ति के उसके बाद अगला है कि नागरिकता समाप्ति के क्या आधार हैं नागरिकता समाप्ति के आधार भी बेटा देखते हैं नागरिकता समाप्ति के आधार नागरिकता समाप्ति के क्या आधार हैं वो भी देखते हैं ये दो तीन आधार हैं ये भी मैं बता देता हूं टेंशन नहीं लेना बेटा आराम से कल फिर मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा रिपीट भी कराऊंगा कल ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िएगा उसके क्वेश्चन करके आइएगा ठीक है ना नागरिकता समाप्ति का आधार क्या है पहला जो आधार है नागरिकता त्यागने का है कोई कह मैं तो भारत की नागरिकता त्याग त्यागना चाहता हूँ तो त्याग दे भाई जा स्वागत है तेरा हमारे देश छोड़ जल्दी से बॉर्डर से बाहर निकल तो कोई त्यागता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है दूसरा है दूसरे देश की नागरिकता लेने पर यदि कोई व्यक्ति है दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है आप में से कोई अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले लेंगे तो भी भारतीय नागरिकता खत्म तो भी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी तीसरा क्या है यदि आप पर कोई देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है यदि आप देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं तो भी भारतीय नागरिकता खत्म चौथा क्या है अगर आप एन हैं यानी कि ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो काम करने से बाहर भारत से बाहर गए हुए हैं विदेश में गए हुए हैं और सात वर्ष तक भारत से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखते हैं संपर्क नहीं रखते हैं तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता भी कम हो जाएगी भीड़ कम बिल्कुल सही कहा है तो हमारे यहाँ कोई भीड़ कम करना चाहे तो जाओ भाई एक अरब चौंतीस करोड़ हैं दो चार पाँच लाख चले भी जाएं तो हमें फर्क नहीं है इसलिए ध्यान में रखना है तो समाप्ति का आधार क्या है पहला नागरिकता त्यागना आप में से कोई भी कहता है मैं तो भारत का नहीं मैं तो अमरीका का बनना चाहता तो निकल भाई बाहर यहाँ से ज़रूरत भी नहीं है दूसरा दूसरे देश की कोई नागरिकता लेता है ले भाई तेरे देश दूसरे देश की नागरिकता तेरी ख़त्म तीसरा क्या है देशद्रोही गतिविधियों में यदि कोई हमारे यहाँ देशद्रोही गतिविधियों में भाग लेता है तो उसकी भी नागरिकता खत्म चौथा क्या है कोई एन है कोई वास्तव में काम करने के लिए बाहर गया है नॉन रेजिडेंट इंडियंस है तो बाहर गया है तो बेसिकली सात वर्ष तक लगातार हमसे कोई संपर्क नहीं करता है तो उसके भी भारतीय नागरिकता खत्म तो ये चार आधार हैं नागरिकता समाप्ति के तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए पहला नागरिकता त्यागना फिर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करना फिर देशद्रोह फिर एनआरआई तो ये बेटा सारी बातें आपको ध्यान रखनी है अब कल हम चर्चा करेंगे कल तो मैं ऑफ रहेगा मेरा मैं पहले ही बता देता हूँ परसों मिलूंगा आपको पाँच बजे तो कल मुझे काम है बाहर जाना है तो मैं लेट हो जाऊँगा वैसे भी तो परसों हम दोहरी नागरिकता पर चर्चा करेंगे साथ में हम सी पर चर्चा करेंगे एन पर चर्चा करेंगे इन नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे तो आप सबसे निवेदन है कि आप जुड़े रहना और ये सारी बातें याद करना जो मैंने देखा है वीडियो को कम से कम तीन चार बार देखना और शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं तो मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा मेरी मेहनत सफल जाएगी मेरा निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इसी के साथ मैं क्लास से विदाई चाहता हूँ धन्यवाद जय हिंद जय भारत